योन, इस वीडियो में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बोटनी एमएससी एंट्रेंस टेस्ट कोड नंबर सी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ए बी सी डी चारों कोड के अंदर क्वेश्चन सेम थे, तो ये वीडियो सभी के लिए फायदेमंद होगी। तो आइए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोड्यूसिंग कमर्शली सुपीरियर वेराइटीज। जस्ट अ सेकेंड। कॉमर्शली सुपीरियर वेराइटी, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल विच वन डजंट हैव लॉसेस ड्यू टू रेस्पिरेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्ड इन कंजेस्टेड मेट्रोपोलिटन सिटीज मेनली कंसिस्ट ऑफ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्मोक, पेरोक्सी एसाइटल एसिटल नाइट्रेट एंड SO2। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, दैट इफ द स्टिग्मा इज पोलिनेटेड बाय द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर द फिनोमिना इज नोन एज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑटोगेमी। फिफ्थ क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज। सो राइट आंसर इज क्वांटोसोम्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेरिस्पर्म नॉन परसिस्टेंट न्यूसेलस। ये एक परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है, यहाँ पर नॉन लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट होल्ड ट्रू फॉर स्पोरोपोलेनिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पोरोपोलेनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम। इन्हें एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय टेकिंग अ स्टोमेटल प्रिंट ऑफ लीफ एपिडर्मिस ऑन। राइट आंसर इज बी, सिलिकॉन रबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन विच जोन ऑफ अ बायोस्फीयर पार्क। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बफर जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकरेंस ऑफ बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज अ फीचर शोन बाय। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वायोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन बाइंडिंग साइट इन द एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वन हैवी एंड वन लाइट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट टू ऑर्गेनिक एसिड ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। सो राइट आंसर इज पेप कार्बोक्सिलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोलन बैंक आर मेंट फॉर स्टोरिंग पोलन ग्रेन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स बाय कीपिंग इन। सो राइट आंसर इज लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक लिस्ट इज। सो इट इज IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से कलेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है बी, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिनोमिना ऑफ स्काउरेज ऑफ वाटर बॉडीज अकाउंट फॉर। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डेथ ऑफ फिशेज ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू फॉर अ रिजिड सेल। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, व्हेन DPD इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइज्ड हर लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। सो उन्होंने जो खेजरी ट्रीज है उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज खेजरी ट्रीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर दैट माइट सजेस्ट दैट प्लांट आर अ सिंगल यूनिट रादर देन मैनी इंडिविजुअल सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनकरेज। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्रोथ टू मीट करंट नीड्स प्रिजर्वेशन फॉर द नीड ऑफ फ्यूचर एंड चेंजेस इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैटेलाइट ऑन अ क्रोमोसोम आर दीज आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडेनाइन एंड थायमिन आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश हाइड्रोजन बॉन्ड। सो टू हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RNA which carry the codon of single cistron, it is called monocistronic mRNA. Next question is, Mesula, a hard mass, is found in microsporangium of. So, इसका right answer हो जाएगा B, Marsilla.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोरे स्पंजी फेरस स्पाइक्स आर फाउंड इन. ओके, तो जो स्पॉन्जी फेरस पोलेंस है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, स्टील ऑफ अजोला स्टेम इज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए. नेक्स्ट, गिडलिंग ऑफ लीफ ट्रेसेस आर फाउंड इन साइकस, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. देन एप्पल पियर एंड प्लम बिलोंग टू विच फैमिली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजेसी. नेक्स्ट, एडिबल लाइकन इन इंडिया इज पार्मेलिया. नेक्स्ट, फॉर ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर द बेस्ट मैथड इज मेरिस्टम कल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोन एट द एज ऑफ लेक और ओशियन विच इज अल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वॉटर इज कॉल्ड, सो इट इज लिटोरल जोन, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द सदर्न ब्लॉट टेक्निक, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैस्ड, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लोरल रिवार्ड नेक्टर एंड पोलन. नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सी ओ टू थ्रू केल्विन साइकिल रिक्वायर 3 ATP एंड 2 NADPH, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रीसेंट ईयर्स पोलन टैबलेट आर यूज फॉर, इट इज फॉर सप्लीमेंटिंग फूड्स, ऑप्शन हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोक्रोम्स आर, दीज आर द रेगुलेटर सिंथेसाइज बाय द प्लांट एंड इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पोरोजिनस टिश्यू इन यंग एंथर कंप्राइजेस ऑफ, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजिनस सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टिवेटर नेम्स आर प्रिसीडेड बाय एब्रीवेशन, सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CV. नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई एंड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट आर, सो दीज आर ग्रीन लीव्स, सो दीज आर ग्रीन लीव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया वी फाइंड मैंगोज विद डिफरेंट फ्लेवर कलर फाइबर एंड शुगर कंटेंट इवन शेल्फ लाइफ, द लार्ज वेरिएशन इज वन अकाउंट, इट इज ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, When a specific epithet exactly repeat the generic name, it is known as, so it is known as tentonyms. Option number D इसका right answer हो जाएगा. 43. The 3 RS to save the environment. Okay, तो 3 R's क्या है? Reduce, recycle and reuse. तो option number D इसका right answer हो जाएगा. Next, the maximum growth rate occur exponential phase. So D इसका right answer हो जाएगा. New cultivar names must be फैंसी नेम्स इन मॉडर्न लैंग्वेज आफ्टर, सो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1/1/1959. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम इज प्रीडेशन. नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी, ऑप्शन नंबर ए. वन ऑफ द एक्सीटू कंजर्वेशन मैथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, सो ये हो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन. नेक्स्ट, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रायो दी जेनारो इन 1992 इज नोन एज, सो इट इज नोन एज बाय अर्थ समिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रेश वेट. थैंक यू ऑल.